क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन है जिसके हर एक के 3 ऑप्शन है एमसीक्यू में. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गैसिंग. अगर कोई गैस करके 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर देगा तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो यानी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और गलत होने की 2/3. और एन क्या है यहाँ पे? 5 क्वेश्चन के उसे आंसर देने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गया. 5 क्वेश्चन का आंसर देगा और वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि इसके 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो हियर एन मीन टोटल नंबर ऑफ ट्राइज, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. पी क्वेश्चन का सही होना, 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा तो 1/3. क्यू 2/3, ठीक है? अब वो कह रहा है यहाँ पे लैंग्वेज लिखा करो, वो क्या कह रहा है? ही विल आंसर फोर और मोर क्वेश्चंस करेक्टली. तो इसमें आपको रैंडम वेरिएबल 4 लेना पड़ेगा प्लस 5 लेना पड़ेगा. बोलो फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा. 5C4 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 1 5C5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0. बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 की पावर 4 कॉमन, ठीक है? 5C4 5 होता है. शॉर्टकट लिखवाए थे पिछली क्लास में, पढ़ के आयो बताओ. 11C 10C 8 कितना होता? 10C8 को 10C2 लिख सकते हैं. तो 10C2 का मतलब 10 × 9 2 × 1. यहाँ 1/3 पावर 4 5C4 n c n-1 की वैल्यू n होती है 5 आएगा × 2/3 10/3. 5C5 1 होता है, ये भी 1 होता है, यहाँ पे पावर 4 चली गई है तो 1/3. 11/3 × 1/3 की पावर 4 पावर 4 है नीचे ये और है, 11/3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 आएगी 243. ओके okay.